नमस्कार, मैं प्रिंस कुशा, फर्स्ट विहार, झारखंड देख रहे हैं। देखिए, रुपौली उपचुनाव को लेकर बिहार की सरगर्मी तेज है। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुपौली में चुनावी सभा को संबोधित किए और बीमा भारती को लेकर कहा कि देखिए, इन्हें हम बार बार विधायक बनाते रहे हैं, लेकिन एमपी बनने के लिए हमारी पार्टी छोड़कर आरजेडी के साथ भाग गई। अब देखिए, चिराग पासवान भी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर रुपौली के लिए निकले थे। आज उन्होंने कार्यक्रम समाप्त कर लिया होगा और अब तेजस्वी यादव की बारी है। तेजस्वी यादव दो दिवसीय दौरे पे हैं। रुपौली जाएंगे, रात में रुकेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे और रुपौली की जो मिजाज है उसे टटोलेंगे और कल उनका चुनावी जो रैली है उसको संबोधित करेंगे। आप देखिए, हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है और रुपौली के जाने के लिए तेजस्वी यादव यहाँ पे उनकी जो गाड़ियाँ हैं और काफिला है वो पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनका प्रोटोकॉल जो है वो पूरी तरीके से गाड़ियों का कारकेट वो लग चुका है और रुपौली के लिए थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव यहाँ से निकलेंगे और रुपौली बाई रोड जाएंगे और रुपौली में बीमा भारती के लेकर चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे और रुपौली की जो मिजाज है उसे टटोलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान हो, तमाम एनडीए के नेता रुपौली में कैंपेन कर रहे हैं और रुपौली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव अपने जो प्रत्याशी है बीमा भारती उनको लेकर अब प्रचार प्रसार करने के लिए रुपौली जा रहे हैं और वो भी दो दिवसीय दौरे पे हैं। रुपौली में उन्हें रात का विश्राम भी करेंगे और रुपौली की जनता से मुलाकात भी करेंगे, रोड शो भी होगा और रुपौली में जनसभा होगी कल और उस जनसभा को संबोधित करेंगे। रुपौली को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं। रुपौली में एनडीए के नेता हों या इंडिया अलायंस के नेता हो, तमाम नेता रुपौली पहुँच रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को लेकर वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि रुपौली से ही 2025 की रास्ता तय होनी है। जिस तरह से राजनीति में रुपौली और उपचुनाव को काफ़ी महत्व होता है और उपचुनाव अब रुपौली में है, तो ऐसे में पार्टियां हैं कि पूरी एड़ी चोटी एक ही हुई है रुपौली का चुनाव जीतने के लिए और दमखम दिखा रही है। लेकिन देखना होगा रुपौली का नतीजा क्या होता है। लेकिन मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, या मंत्री हो, या पूर्व मंत्री हो, या नेता प्रतिपक्ष हो, सभी रुपौली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों को लेकर और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी काफ़ी अस्वस्थ दिख रहे हैं। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों के वहाँ बने रहे, फर्स्ट विहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।